गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण बाळ मित्रों। आज आपणे अंग्रेजी विषय में मूळाक्षर जेवा मूळाक्षर ने एना साथे जोड़ो, अंग्रेजी मूळाक्षर ने चित्र साथे जोड़ो अने चौरस में आपेला मूळाक्षर जेवो मूळाक्षर शोधी गोल करो ए शीखीशू। तो बाळ मित्रों, अगाउना वीडियो में आपणे ए थी पी सुधीनी एबीसीडी कम्प्लीट सीखी गएला छीए, तो एना आधार आज आपणे आ आपेल मूळाक्षर जेवो मूळाक्षर एनी साथे जोड़ो सीखीए। तो आ शू छे? जे फॉर जग। तो आ लाइन में ज्यां जे फॉर जग होय एनी साथे आपणे जोड़ीशू। तो पहला तो शू आप्युं छे? एन फॉर नेस्ट, तो एनी साथे जोड़ाशे नहीं। पछी जे फॉर जग, तो एने आपणे जोड़ी दईए। पछी शू आप्युं छे? एम फॉर मंकी, तो आ लाइन में एम फॉर मंकी क्या छे? तो आ तो एन फॉर नेस्ट छे, आ तो जोड़ी दीधुं, आ रह्यो एम फॉर मंकी, तो एने आपणे जोड़ी दईए। पछी छे ओ फॉर ऑक्स, तो ओ फॉर ऑक्स आ लाइन में क्या छे? तो छेल्ली लाइन में ओ फॉर ऑक्स ने आपणे जोड़ी दईए। पछी एज रीते छे एन फॉर नेस्ट, तो एन फॉर नेस्ट क्या आपेलो छे? पहली लाइन में आपेलो छे, तो एने आपणे जोड़ी दईशुं। पछी छे अंग्रेजी मूळाक्षर ने चित्र साथे जोड़ो। तो पहलू शू छे? जे फॉर जग, तो आ लाइन में जग जे आप्यो होय त्यां शोधीने आपणे जेने जग साथे जोड़ीशू। तो पहलू सानू चित्र छे? लैम्पनू। पछी बीजू छे पेरट। पछी त्रीजू छे इंकपोट। अने चौथू छे जग। तो जे फॉर जगनो जग आवी गयो, तो एने आपणे जे साथे जोड़ी दईए। पछी छे एल फॉर लैम्प, तो लैम्पनू चित्र क्यां आपेलू छे? पहली लाइन में, तो एल फॉर लैम्प ने एनी साथे जोड़ी दईए। पछी छे पी फॉर पेरट, तो पी फॉर पेरट नू चित्र क्यां आपेलू छे? आ रह्यो, तो एने पी साथे जोड़ी दईए। पछी छे बाळ मित्रो आई फॉर इंकपोट, तो इंकपोट नू चित्र आ रह्यो, तो एने इंकपोट साथे जोड़ी दो। तो आ शू शीख्या आपणे? अंग्रेजीना जे मूळाक्षरो छे एने एना योग्य चित्र साथे जोड्या। हवे आपणे जोईए चौरसमां आपेल मूळाक्षर जेवो मूळाक्षर शोधी ने गोळ करो। तो पहला ખાનામાં કયો મૂળાક્ષર આપ્યો છે? બી ફોર બર્ડ, તો આ લાઈનમાં આપણે બી ફોર બર્ડ જ્યાં હોય ત્યાં શોધીએ। તો ચલો આ શું છે? એ ફોર એપલ, તો એના ફરતે ગોળ કરવાનું નહીં। પછી છે બી ફોર બર્ડ, તો આવી ગયો બી ફોર બર્ડ, તો એને ફરતે ગોળ કરી દઈએ। એ જ રીતે બીજો મૂળાક્ષર કયો આપેલો છે? જી ફોર ગન, કયો છે? જી ફોર ગન, તો એને શોધી આપણે આ લીટીમાં। આ તો આ શું છે? એ ફોર એપલ છે, પછી આ તો ગોળ કરેલું જ છે। પછી છે સી ફોર કેટ, આ શું છે? જી ફોર ગન, તો એને અહીંયા ગોળ કરી દઈએ। તો થઈ ગયા બંને ચોરસમાં જે મૂળાક્ષર આપ્યા હતા એ બંને બંને મૂળાક્ષર પર ગોળ થઈ ગયું। હવે બીજી લાઇનમાં જોઈએ, તો બીજી લાઇનમાં પહેલા ખાનામાં કયો મૂળાક્ષર આપ્યો છે? ડી ફોર ડોગ, તો આ લાઇનમાં આપણે શોધીએ ડી ફોર ડોગ, તો આ રહ્યો ડી ફોર ડોગ, તો એની ફરતે ગોળ કરીએ। પછી બીજો કયો છે? એલ ફોર લેમ્પ, તો આ લાઇનમાં આપણે લેમ્પ શોધીએ, તો આ તો ગોળ કરેલું જ છે। એના પછી છે ઈ ફોર એલિફન્ટ, તો એના ફરતે ગોળ કરીશું નહીં। પછી છે એલ ફોર લેમ્પ, તો આવી ગયો એના જેવો મૂળાક્ષર, તો એના ફરતે આપણે ગોળ કરી દઈએ।
तो थई गया बाळ मित्रों आ लाइन ना बन्ने बन्ने मूळाक्षर। हवे बीजी लाइन में जोईए तो बीजी लाइन में पहला खाना में क्यों मूळाक्षर आपे छे जे फॉर जग। तो आ लाइन में आपणे जे फॉर जग शोधीए तो पहला शू छे एफ फॉर फिश तो एना फरते गोल करवानुं नहीं। पछी छे के फॉर काइट तो एना फरते पण गोल करीशुं नहीं कारण के आपणे सानी फरते गोल करवानो छे जे फॉर जग फरते गोल करवानो छे। पछीनो मूळाक्षर जोईए कयो छे जे फॉर जग तो एने आपणे गोल करी दईए। थई गयो एना जेवो मूळाक्षर। पछी बीजो कयो मूळाक्षर आप्यो छे एम फॉर मंकी तो आ तो एफ फॉर फिश छे अने आ के फॉर काइट छे। तो हवे ज अहीं तो गोल करेलू छे एना पछी कयो मूळाक्षर आप्यो छे एम फॉर मंकी तो आना जेवो मूळाक्षर आवी गयो तो एना फरते गोल करी दईए। तो बाळको आपणे आजे जे जे शीख्या मूळाक्षरने एना जेવા મૂળાક્ષર સાથે જોડો મૂળાક્ષરને એને યોગ્ય ચિત્ર સાથે જોડો અને ચોરસમાં આપેલ મૂળાક્ષર જેવા મૂળાક્ષર ફરતે ગોળ કરો। તો આ બધે આજે આપણે જે કંઈ શીખ્યા એ બધું આજે તમારે ઘરે એનો મહાવરો કરવાનો રહેશે।